नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आईपीएल 14 में आज 50वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है, जिसमें दिल्ली के गेंदबाजों ने आज चेन्नई के बल्लेबाजों की हालत खराब कर दी है। जहां आज शुरुआत में ऋतुराज और फाफ के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली, तो वहीं इन दोनों बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद पूरी टीम संघर्ष करती नजर आई है। आज अगर चेन्नई की टीम ये मुकाबला हार जाती है तो कहीं ना कहीं इसका सारा जिम्मा कप्तान धोनी के ऊपर फूटने वाला है, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी करके दिखाई है उससे न केवल चेन्नई की टीम को बल्कि उनके चाहने वालों को भी काफ़ी निराशा होगी। अगर बात करें धोनी की बल्लेबाजी की, तो आज धोनी मैदान में संघर्ष करते दिखाई दिए हैं। धोनी शुरुआत से ही दिल्ली के गेंदबाजों को खेलने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। धोनी ने आज अपनी पारी में महज 18 ही रन्स बनाए और 27 गेंदों का सामना किया, मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये दिखाई दी कि इस पारी में उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। आज दिल्ली की तरफ से दोनों फिरकी गेंदबाज अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने धोनी को खामोश रखा और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया। कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि धोनी आज खुद से पहले जडेजा को भी भेज सकते थे, जो अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अभी देखना होगा कि धोनी की पारी से टीम को क्या नुकसान होता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।